खबर झांसी जनपद से, जहां राजकीय महिला डिग्री कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर अनुभा श्रीवास्तव ने बताया 22 अगस्त से सेमेस्टर परीक्षा प्रारंभ हो रही है, जिसके लिए हमारे कॉलेज में संपूर्ण तैयारियां कर ली गई हैं। परीक्षा ओएमआर सीट पर होगी। डॉक्टर अनुभा श्रीवास्तव ने कहा, यहां पढ़ने वाली सभी छात्राएं हमारी बच्चियों जैसी हैं, इनको अच्छी शिक्षा और इनके हित के लिए हम और हमारे कॉलेज का सभी स्टाफ हमेशा आगे रहता है, जिससे हमारे कॉलेज में पढ़ने वाली बच्चियों को आगे भविष्य में और पढ़ाई करने में कहीं कोई समस्या का सामना न करना पड़े। इस दौरान कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर अनुभा श्रीवास्तव ने और क्या कुछ जानकारी दी, देखिए जावेद मकरानी की यह रिपोर्ट। ये कल से शुरू हो रहे हैं, 22 तारीख से, 22 अगस्त से हमारे यहाँ सेमेस्टर एग्जाम यूनिवर्सिटी के चालू हो रहे हैं। हाँ, तैयारियाँ पूरी हो चुकी हैं, इवन पेपर भी आ चुके हैं हम लोगों के पास महाविद्यालय विश्वविद्यालय की तरफ से। हमारे यहाँ सीटिंग अरेंजमेंट हो गया है, हमारे यहाँ सीटिंग चार्ट बन गया है और बच्चों को सबको वो बांटे जा चुके हैं उनके प्रवेश पत्र। तो तैयारियाँ पूरी हैं और अच्छे से परीक्षाएँ कराई जाएंगी जैसे हर साल होती हैं। राजकीय महाविद्यालयों को आप लोग जानते हैं कि राजकीय महाविद्यालयों में बहुत शुचितापूर्ण और बहुत ही सलीके से परीक्षाएं कराई जाती हैं, तो उसी तरह की परीक्षाएं हम लोग। देखिए, सबसे बड़ा बदलाव तो आप देख ही रहे होंगे, सेमेस्टर सिस्टम चालू हुआ है हमारे यहाँ। पहले हमारे यहाँ वार्षिक परीक्षाएं होती थी, अब उसी वार्षिक परीक्षा के कोर्स को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है और हर 6 महीने पे हमारे यहाँ जो है सेमेस्टर होता है। तो अभी दूसरे और चौथे सेमेस्टर की परीक्षाएं होने वाली हैं, ताकि बच्चों को कोर्स आधा करने से एक साथ वजन नहीं पड़ता उसके ऊपर, वो आराम से दो हिस्सों में कोर्स को डिवाइड करके दो बार परीक्षा दे सकता है, जिससे कि बच्चा कोर्स को बहुत गहराई से समझ सकता है, अच्छे से पढ़ सकता है। और निश्चित बात है कि जब अच्छे से पढ़ेगा तो अच्छे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए वो बेहतर तरीके से तैयार होगा। और बाकी सब तैयारियां संपूर्ण है हमारे कॉलेज? हाँ जी, हमारे महाविद्यालय की मैं कह सकती हूँ कि आप कहीं भी जाएंगे पूछेंगे, राजकीय महाविद्यालय शायद इसलिए कि प्रसिद्ध भी हैं कि राजकीय महाविद्यालयों में नकल विहीन शुचितापूर्ण परीक्षाएं होती हैं। तो हमारे महाविद्यालय की भी वही साख है। हमारे यहाँ के बहुत सारे विद्यालय हैं जो कि झांसी नगर के हैं, जहाँ पर बहुत अच्छी परीक्षाएं होती हैं, और हमारे महाविद्यालय में भी हम कह सकते हैं कि बिल्कुल शुचितापूर्ण और नकल विहीन परीक्षाएं होती हैं, सारी तैयारियां होती हैं। जो 3 वर्ष का था, वो 3 वर्ष का ही है, कहीं कुछ में बदलाव किया गया? नहीं, एनईपी में उसमें बदलाव किया गया है। अब ये डिपेंड करता है कि आप कब तक पढ़ना चाहते हैं। बच्चे के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस हुआ करते थे कि पहले अगर उसने छोड़ दिया तो उसको कुछ समय के बाद उसको फिर से करना पड़ता था बीए, अब वो नहीं है, वो डिप्लोमा ले सकता है, फिर उसको डिग्री मिल सकती है, वो सर्टिफिकेट कोर्स कर सकता है, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद डिप्लोमा ले सकता है, 3 साल के बाद उसको डिग्री मिल सकती है, और अगर वो चाहता है पीएचडी करना तो वो 4 साल भी कर सकता है और उसके बाद 1 साल के अंदर वो पीएचडी कर सकता है। तो उसका बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। इससे क्या होगा कि बच्चा अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार पढ़ाई कर सकता है, कभी भी पढ़ाई को ब्रेक कर सकता है, कभी भी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकता है। जो ब्रेक होने वाला सिस्टम था वो नहीं होगा। इससे ये बच्चे को सुविधा मिल गई है कि अगर उसे कुछ काम है या किसी कारणवश वो नहीं दे पाया तो फिर आगे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकता है जब भी चाहे।